देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। मैं हूं आपके साथ खुशी, लेकर आई हूं श्रद्धा वालकर से लेकर बड़ी अपडेट लेकर। हिमाचल में ही श्रद्धा का कत्ल करना चाहता था अपता, अब जुड़ सकती है IPC की धारा। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था। ये सवाल ये कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के माने तो इस सवाल पर अफताब लगातार झूठ बोल रहा था। अफताब आमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था, बल्कि ये कत्ल उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। कत्ल की प्लानिंग उसने मई में ही कर ली थी। प्लान के तहत अफताब को मुंबई छोड़ना था और श्रद्धा का कत्ल हिमाचल प्रदेश में करना था, मगर ऐन वक्त पर उसने इरादा बदल दिया। अफताब जानबूझकर गुस्से में कत्ल करने की बात कर रहा था, ऐसा कहकर वो अपनी कानूनी फ़ायदा लेना चाहता था। पुलिस को भी अफताब के बयान पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि अब अफताब के खिलाफ 120 यानी साजिश रचने के मामला भी दर्ज हो सकता है। लगातार झूठ बोल रहा था अफताब। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अफताब से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि सवाल यही था कि श्रद्धा का कत्ल उसने अचानक किया, गुस्से में किया या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो सवाल पर झूठ अफताब लगातार झूठ ही कह रहा था, यही तो पुलिस लगभग यकीन हो चला। लेकिन अफताब ने मगर श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वह श्रद्धा का कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। ये साजिश उसने तब बुनने शुरू कर दी थी जब उसने यकीन हो चला था कि रोज श्रद्धा से उसे छोड़कर चली जाएगी। एक शक्ति की धारा में 120वीं दिल्ली पुलिस ने एक आला अफसर के आज तक को बताया और उसने सारे ही चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को भी बताया कि एक बार नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद अफताब के खिलाफ बाकी धाराओं के साथ साथ 120वीं भी लगाई जा सकती है। इसके लिए पुलिस के पास कई पुख्ता सबूत है। श्रद्धा को ठिकाने लगाने का इरादा इस साल 3 मई को इर्द था थी और श्रद्धा का ट्रैवलिंग बेहद शौक था। ट्रैवलिंग का उसे बहुत शौक था। अफताब ने इधर से पहले श्रद्धा से वादा किया था कि वे ईद के बाद उसे घुमाने हिमाचल प्रदेश की वादियों में ले जाएगा। ईद के बाद दोनों मुंबई में हिमाचल गए। दरअसल अफताब का इरादा हिमाचल में श्रद्धा को ठिकाने लगाने का था। हिमाचल प्रदेश से श्रद्धा को वापस मुंबई लौटना था। दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, ना श्रद्धा का ना अफताब का, मगर हिमाचल में रहने के दौरान अफताब को एक भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो श्रद्धा को ठिकाने लगा पाए। पर वो ठान चुका था कि बिना श्रद्धा को ठिकाने लगाए वो हिमाचल नहीं छोड़ेगा। हिमाचल की बंदरी से दोस्ती। अफताब और श्रद्धा हिमाचल के तोश में एक होटल में रुके थे। अफताब से उसी होटल में अफताब की मुलाकात बादरी नामक शख्स से हुई थी। बादरी दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके का रहने वाला है। अफताब और बद्री में जल्द ही दोस्ती हो गई। बातचीत के दौरान अफताब ने बद्री के से छतरपुर इलाके के बारे में पूरी जानकारी ली। उसे बद्री से ही पता चला कि छतरपुर दिल्ली के बिल्कुल कोने में है, सन्नाटे में है और आसपास घने जंगल हैं। बद्री के मदद से मिला था किराए का मकान। इधर हिमाचल में अफताब का मौका मिल नहीं रहा था, उधर दिल्ली में छतरपुर की जानकारी मिलने के बाद उसने पहली बार सोचा कि श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह सबसे अच्छी जगह है। हालांकि श्रद्धा हिमाचल से मुंबई वापस लौटना चाहती थी, लेकिन अफताब ने उसे हिमाचल के बजाय दिल्ली से मुंबई लौटने का आइडिया दिया। श्रद्धा तैयार हो गई। इसी के बाद दोनों 8 मई को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुके। फिर अगले ही दिन दक्षिण दिल्ली सुल्लाजुबाद पहुंचे। इसके बाद छतरपुर और महरौली इलाके में रेकी की। फिर अफताब ने बद्री से संपर्क किया। बद्री की मदद से ही उसने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए का मकान लिया। दरअसल वो मकान महरौली के जंगल में मैदान गढ़ी तालाब के करीब बेहद करीब था और अफताब को एक ऐसा लोकेशन चाहिए था जहाँ पे शिफ्टिंग के 3 दिन बाद ही कत्ल अफताब ने 15 मई को वह घर किराए पर ले लिया था। उसी दिन थोड़े बहुत सामान से शायद वो शिफ्ट हो गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अगले दिन अफताब ने आसपास के तमाम इलाकों में अच्छी तरह से रेकी। इसके बाद उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया। घर में शिफ्ट होने के तीसरे दिन ही यानी 18 मई को उसने श्रद्धा का इसी घर में कत्ल कर दिया। वो पूरी
वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। कंप्लीट में श्रद्धा ने जो लिखा था वही हुआ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब श्रद्धा का कत्ल मुंबई में इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे वहां फौरन पकड़ने का जाने का डर था। श्रद्धा के दोस्त की एक लंबी लिस्ट है, वह अपने दोस्त से हर रोज संपर्क में रहती थी। मुंबई में श्रद्धा के कत्ल के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाना वहाँ बहुत मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक ये सारी कड़ियाँ जोड़ने के बाद अब ये साफ होता जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में नहीं किया बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया। इसी बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास श्रद्धा के कंप्लेंट की वो कॉपी भी है जिसमें 23 नवंबर को 2020 में वो वसई के तुलीगंज थाने में थी। इस कंप्लेंट में श्रद्धा ने 2 साल पहले ही लिख दिया था कि आफताब ने उससे गला घोटकर मारेगा, लाश के टुकड़े करेगा और टुकड़ों को फेंक देगा। 18 मई 2020 को दिल्ली में आफताब ने ऐसा ही ठीक ऐसा ही किया। श्रद्धा की बातों को सच कर दिया। साजिश साबित करने की चुनौती अब सवाल में ये है कि आफताब इतनी आसानी से वो भी पहले ही दिन से पुलिस के सामने ये कबूल क्यों कर रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। मगर ये कत्ल अचानक गुस्से में हो गया तो दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब बेहद चालाक है, उसे कानून की पूरी जानकारी है। वो ये बात अच्छे से तरह से जानता है कि अचानक गुस्से में हुए कत्ल और प्लान के तहत किए गए कत्ल में बड़ा फर्क होता है। बिना प्लान के अचानक गुस्से में होने वाले कत्ल के लिए अमूमन का कम सज़ा मिलती है, कम से कम फांसी या उम्र कैद तो कतई नहीं। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि कत्ल पूरी साजिश के साथ किया गया है और कातिल को अधिकतम सज़ा यानी सज़ाए मौत या फिर उम्र की कैद मिलनी पक्की रहती है। इसलिए दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती भी थी कि वो आफताब की साजिश की हर छोटी कड़ियों को जोड़कर ये साबित करे कि श्रद्धा का कत्ल अचानक नहीं बल्कि पूरे आफताब ने साजिश को बुनने के बाद किया। टुकड़े फेंकते वक्त मोबाइल नहीं रखता था आफताब। आफताब कितना होशियार है इसके बारे में दिल्ली पुलिस सूत्रों के आज तक को भी जानकारी दी। सारे ही न्यूज़ चैनल को और न्यूज़पेपर्स को भी उससे जानकारी दी कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 मई को के बाद जब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकने आफताब घर से बाहर निकलता वो कभी अपना साथ मोबाइल नहीं ले जाता। उसे मालूम था कि मोबाइल से आगे चलकर भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, यानी किस रात किन किन जगहों पर उसने लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए हैं। अगर मोबाइल उसके पास होता तो पुलिस आसानी से उस तारीखों पर उसकी लोकेशन ढूंढ लेती। लेकिन आफताब की चालाकी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस ने जब आफताब के मोबाइल की जाँच की तो पता चला कि 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक हर रात उसके मोबाइल की लोकेशन उसका घर ही होता था। आफताब ने खुद पूछताछ में बताया कि वो अपने साथ कभी मोबाइल लेकर बाहर नहीं जाता था। मुंबई पुलिस की पहली गलती। वैसे श्रद्धा की लाश की जिन जगहों के टुकड़े ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस पिछले 13 दिनों से जितनी मशक्कत कर रही है शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती अगर मुंबई पुलिस वक्त रहते ही कार्रवाई कर देती। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 बड़ी गलती की। पहली गलती ये कि 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने वसई के तिलुंज पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई थी, तब उसकी शिकायत पर वक्त रहते ही कार्रवाई नहीं की गई। अगर उसी वक्त आफताब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो तय था कि श्रद्धा आफताब के चंगुल से आज़ाद हो जाती, लेकिन पुलिस ने वक्त लिया और इस वक्त का फ़ायदा आफताब ने उठाया। उसने श्रद्धा को खुदकुशी कर लेने पर धमकी देते हुए फिर एक और बार अपने पास बुला लिया था। तब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, नेता मौका चूकते ही नहीं तो इस पर राजनीति शुरू हो चुकी थी और तब की सरकार पर उंगलियां भी उठ रही थी। इसी तरह के दिलचस्प कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।